झारखंड में एक तरफ हर दिन बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मामलों में सुधार को लेकर झारखंड की रैंकिंग एक बार फिर नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग इतरा रहा है। बात चाहे शिशु मृत्यु दर में कमी की करें या बेबी केयर किट की, झारखंड स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सुधार का सिलसिला लगातार जारी है। एम्स में नामांकन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत को लेकर एमसीआई की आपत्ति को भी समय रहते दुरुस्त करने की पहल जारी। मंगलवार के स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और झारखंड को, तीन राज्यों को जो है वार्षिक वृद्धिशील में लाया है, और उससे इसे हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं, और इसलिए हमारा राज्य का विकास का दर पता चलता है, जिसमें 23 से मानक लिए गए हैं, जिससे हमारी जो प्रगति हुई है, जो हम तीनों स्टेट जो है एक साथ एक नंबर में आए हैं। राज्य के सूचना भवन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक के किए गए कार्य के बखान के बीच रिम्स में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों का मामला भी छाया रहा। रिम्स के डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस को देर से ही सही पर गंभीरता से लिया गया। रिम्स निदेशक के अनुसार ऐसे 8 डॉक्टरों को शिकायत के बाद चिन्हित करते हुए नोटिस भेजा गया है। दरअसल मीडिया में लगातार रिम्स के डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस का खुलासा होने के बाद प्रबंधन को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही 2 दिन पहले ही राज्य के सीएम रघुवर दास ने भी रिम्स के डॉक्टरों पर एसीबी जांच का आदेश देकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को सख्ते में डाल दिया था। मैं एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, जिसमें आम जनता से यह सूचना मांगी गई थी कि यदि उनको किसी डॉक्टर के बारे में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का सूचना हो तो उसकी सूचना दें। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर कई लोगों के विरुद्ध नोटिस दी गई है, कार्रवाई दी गई है और कंप्लेन पर आधारित एक्शन लिया गया है। हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, लेकिन कईयों पर कार्रवाई की गई। नोटिस 8 लोगों को दी गई है, 8 लोगों को नोटिस दी गई है। शासन के स्तर से भी उनको नोटिस दी गई और हमारे स्तर से भी उनको नोटिस दी गई है। हमारे स्तर पर 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई क्या हुआ है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक वो मैंने यूनिट इंचार्जशिप से हटा दिया है, दूसरे का इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई का डंडा चलाया है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों को सूची से बाहर करने के साथ साथ पेनाल्टी लगाने और शो को जारी करने की कार्रवाई की है। विभाग का साफ मानना है कि हर हाल में राज्य के 57 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना है और योजना के लाभ और लाभुक के बीच कोई परेशानी आड़े नहीं आएगी। 25 लोगों को अभी तक पेनाल्टी और शोकॉज हो चुका है 25 अस्पतालों को, और 2 लोगों को डीएम पैनल किया जा चुका है। 20 अस्पतालों को आयुष्मान भारत में कतिपय अनियमितता बरतने के लिए निलंबित किया जा चुका है और उनसे कारण पूछा की गई है। अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आएगा तब आगे कंटिन्यू करेंगे। 25 ऐसे अस्पताल है जिनको पेनल्टी की गई है और शोकॉज किया गया है, और 2 लोगों को डीएम पैनल किया जा चुका है, मतलब परमानेंटली उनको इस योजना से बाहर किया जा चुका है। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही चर्चा में रहा है, बात चाहे अस्पताल में डॉक्टर की कमी की हो या अस्पताल में दवाओं के अभाव की। व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है और संभवतः अभी सुधार की और जरूरत है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। रांची से न्यूज 11 के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।